गुड इवनिंग फ्रेंड, मेरा नाम राशिद अली है और मेरे स्मार्ट टेक आर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस वीडियो के साथ आया हूँ वो लिफ्ट एक्सल या पुशर एक्सल, दोनों एक ही नाम होते हैं। उस वीडियो के साथ मैं आया हूँ कि आप ये देखेंगे टाटा में, अशोक लेलैंड में, भारत बेंज में और भी जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स होते हैं जो कि 31 टन से ऊपर होते हैं उनके अंदर लिफ्ट एक्सल यूज़ करते हैं। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ जो बाहर वर्कशॉप, जो टेक्नीशियन लोग बाहर वर्कशॉप बनाए हुए हैं अपनी और बाहर बैठ के वो काम करते हैं, तो अभी इंडिया के साथ साथ इंडिया की टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, तो जो कंपनियाँ हैं वो सारी सारी नई से नई टेक्नोलॉजी ला रही हैं जो कि बाहर बैठे बाहर टेक्नीशियन जो लोग बैठे हुए हैं अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उसके ही लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैंने पिछली वीडियो अपनी जो बनाई थी वो इलेक्ट्रिकल पे बनाई थी, न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बता, इलेक्ट्रिकल सर्किट की वीडियो बनाई थी कि लिफ्ट एक्सल किस तरीके से कंट्रोल होता है इलेक्ट्रिकल के थ्रू। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो न्यूमेटिक जो प्रेशर लाइन होती है वो लिफ्ट एक्सल को कैसे मदद करती है उठाने में और गिराने में। तो मैं इस वीडियो में कुछ कंपोनेंट्स आपको जो बताऊंगा वो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, क्या पार्ट्स, कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं लिफ्ट एक्सल को लगाने के लिए। लिफ्ट एक्सल वेबको कंपनी का आता है ज़्यादातर लिफ्ट एक्सल, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और उनका कुछ कंपोनेंट्स बताने के लिए। सबसे पहले उसमें ये कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लिफ्ट एक्सल कंट्रोल वाल्व। लिफ्ट एक्सल कंट्रोल वाल्व वो चीज़ होती है जिससे लिफ्ट अप और डाउन होते हैं। ये जो लिफ्ट एक्सल जहाँ लगा होता है ठीक उसके बराबर में ही लगा हुआ होता है लेफ्ट हैंड साइड में। हम बात करते हैं लोड सेंसिंग वॉल्व। लोड सेंसिंग वॉल्व का क्या काम होता है, ये लोड सेंसिंग वॉल्व सबसे पहले हम ये बताते हैं, लोड सेंसिंग वॉल्व जो रियर एक्सल होता है पीछे डिफरेंशियल होता है जिसको ट्यूब भी बोलते हैं बाहर देसी लैंग्वेज में, तो उसमें ये चेजी में लगा हुआ होता है लेकिन जो उसमें एक लिंक रोड होती है वो डिफरेंशियल के हाउसिंग में फिट होती है। तो वो क्या काम करता है, जब हमारी गाड़ी का लोड 25 टन से बराबर होगा या 25 टन से ऊपर होगा तो लिफ्ट एक्सल नीचे की ओर गिर जाएगा। लेकिन जब लिफ्ट एक्सल नीचे की ओर गिरेगा उसमें कुछ सिचुएशन होती है, जैसे कि चाबी स्विच, आपने चाबी स्विच गाड़ी का ऑन किया, ऑन करने के बाद उसमें एक दो टाइप की पावर सप्लाईज आती हैं, एक सप्लाई होती है चाबी स्विच ऑन करने से मिलती है और एक सप्लाई जो मिलेगी एक बटन, एक स्विच लगा होता है, वो स्विच क्या काम करता है, जब गाड़ी का 25 टन लोड हो जाता है अगर चलती हुई गाड़ी का टायर फट जाए या बैरिंग खराब हो जाए या हब सीज हो जाए तो आप उस बटन की मदद से लिफ्ट एक्सल को ऊपर की ओर कर सकते हैं। तो अभी मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि अब हम क्यूब रिलीज वॉल्व, मैंने लोड सेंसिंग वॉल के बारे में आपको बताया, अब मैं क्यूब रिलीज वॉल्व के बारे में बताता हूँ। क्यूब रिलीज वॉल्व जो होता है, जो बैलो होते हैं बड़े वाले, हवा के जो बैलो होते हैं जिनसे लिफ्ट एक्सल नीचे की ओर रहता है, वो बैलो के बीच में, जैसे कि ये बीच में लगा हुआ है, इसमें दो पॉइंट होते हैं। ये क्या करता है, जब हम लिफ्ट एक्सल को ऊपर की ओर उठाते हैं तो जो हवा बैलों में भरी हुई होती है वो उससे एग्जॉस्ट हो जाती है, नीचे की ओर रिलीज हो जाती है, तो किक रिलीज वॉल्व जल्दी से हवा को रिलीज करता है और जल्दी से हवा को भरता भी है, तो ये किक रिलीज का काम होता है। अभी हम प्रेशर रिडक्शन वॉल्व की बात कर रहे हैं, इसको प्रेशर लिमिटिंग वॉल्व भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, प्रेशर को लिमिट करता है, मतलब किस तरीके से, अगर हमें लगता है कि प्रेशर कम है बैलों में तो हम उसको एडजस्ट करके प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं। इसका एक लिमिट होता है प्रेशर का, मैक्सिमम 5 बार या 6 बार प्रेशर होता है जो कि हम उसको चेक कर सकते हैं गेज लगा के प्रेशर को भी। तो अगर हवा कम आ रही है या प्रेशर बढ़ नहीं रहा है तो आप इस कंट्रोल वाल्व को भी चेंज कर सकते हैं, प्रेशर रिडक्शन वाल्व को भी, लिमिटिंग वाल्व को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो लगा होता है ये ड्राइवर साइड में लगा हुआ होता है लिफ्ट एक्सल के बराबर से ही, तो आपको देखने के लिए वो कंपोनेंट भी आपको इस तरीके से होगा देखने को आपको मिलेगा। अभी हम बात करते हैं ईयर टैंक। ये वो ईयर टैंक होता है जो ऑक्सिलरी ईयर टैंक होता है, ये क्या, गाड़ी के जो दो टैंक होते हैं उनसे हटके एक टैंक होता है जो स्पेशल कुछ एडिशनल पार्ट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हैंड ब्रेक वाल्व,
आपका लिफ्ट एक्सल और भी जो भी कंपोनेंट जो भी एडिशनल चीज लगाई वो आप ऑक्सिलरी टैंक से प्रेशर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी टैंक आपको देखने में इस तरीके का होगा। अगर हम बात करते हैं रिड्स बेलो, ये बेलो वो बेलो होते हैं जो बड़े वाले होते हैं जो गाड़ी को लिफ्ट कर नीचे की ओर करने के बाद गाड़ी को लोड लेके चलते हैं। हम बताते हैं अब ये लिफ्ट बेलो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। लिफ्ट बेलो वह बेलो होते हैं जो लिफ्ट को उठाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लिफ्ट एक्सल के सर्किट के बारे में कि सर्किट किस तरीके से काम करता है, कैसे फेलियर होगा, ये लिफ्ट एक्सल काम नहीं कर रहे तो हम उसको कैसे सही करें, तो वो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। और मैं जो जिस टोटली हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा क्लियरली कि इसको हम किस तरीके से और इस सर्किट को मैं किस तरीके से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से मैं आपको उसको पूरी क्लियर करके इसको समझाऊंगा कि हम इस सर्किट के बारे में अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं और आप समझ सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे हम स्टार्ट करें, जो हम स्टार्ट करने का जो पहला तरीका है वो एयर टैंक। जब हमारे पास प्रेशर होगा बाकी कंपोनेंट खुद पे खुद काम करना शुरू करेंगे। कैसे, हमने एक प्रेशर टैंक लिया जिसकी जो लिमिट होती है 25 लीटर। अभी ये टैंक कोई ज़रूरी नहीं है कि 25 लीटर का हर गाड़ी में लगाओ, बड़ा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो अभी हम जो ये प्रेशर यहाँ से यहाँ हम लिख देते हैं 1, ये प्रेशर इसके अंदर विन होगा या 2 होगा। एक नंबर प्रेशर से क्या होता है, इसके अंदर प्रेशर पहले भरा जाएगा, उसके बाद जो 2 नंबर होता है, 2 नंबर क्या होता है, आउटपुट होता है। जो प्रेशर 2 नंबर का मतलब होता है आउटपुट, जो प्रेशर बाहर की ओर जा रहा हो। तो अभी ये प्रेशर जो है यहाँ से सीधा चल के 2 पॉइंट में डिवाइड होगा, बट जाएगा। जो प्रेशर दो नंबर से प्रेशर सीधा यहाँ पे प्रेशर लिमिटिंग वॉल के अंदर गया, उसके अंदर से एक पाइप और हमने टी ज्वाइन करके 12 नंबर पर जोड़ दिया है। 12 नंबर का मतलब क्या होता है, 1 नंबर का मतलब होता है इनपुट, जो प्रेशर इन हो रहा है, और 2 नंबर पोर्ट में, ठीक है, ये मतलब होता है इस कंट्रोल वाल्व का। ये कंट्रोल वाल्व जो लिफ्ट एक्सल गिराएगा भी और उठाएगा भी, तो ये किसके थ्रू उठाता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू, वो सप्लाई डीसी सप्लाई होती है। अब मैंने आपको जैसे ये बताया कि अभी ये देखिए, ये जो प्रेशर है 1 नंबर का मतलब होता है इन, और 2 नंबर का मतलब होता है पोर्ट, 2 नंबर पोर्ट में इसके अंदर जा रहा है प्रेशर। अभी हम आप बात करते हैं जो सीधा प्रेशर यहां से और इस वॉल के अंदर से कंट्रोल होगा वो प्रेशर 1 नंबर पे, ये कब काम करता है, ये जब काम करेगा, मैंने अभी बताया कि ये लोड सेंसिंग वॉल है। जब 25 टन से लोड ज्यादा हो जाएगा, चेजी क्या होता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक है, रोड ऊपर की ओर जाएगी, तो एक सेटिंग होती है उसके थ्रू ये क्या करता है, सीधा प्रेशर जो है इसके अंदर 1 नंबर पोर्ट में प्रेशर दे देगा। 1 नंबर पोर्ट में प्रेशर देने से क्या होगा, ये 2 नंबर को सीधा 2 नंबर को प्रेशर मिल जाएगा। 2 नंबर कहाँ पे पहुंचा है, अभी हम बात करते हैं 1 नंबर, यहाँ पे भी हम 1 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, लिखा नहीं होता लेकिन ले लेते हैं। ये सीधा यहाँ पे प्रेशर गया कहाँ पे, क्विक रिलीज वॉल के अंदर। क्विक रिलीज वॉल के अंदर ऊपर में एक पॉइंट लगा होता है, उसके अंदर एक और प्रेशर पाइप अलग से लगा हुआ होता है कि जल्दी से प्रेशर भरे और जल्दी से रिलीज हो। ये क्विक रिलीज का काम, क्विक रिलीज वॉल का काम होता है। वो प्रेशर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद यहाँ से आउट हुआ, आउट होने के बाद इन बेलो में भर गया। बेलो में भरने के बाद क्या होता है कि बेलो नीचे की ओर चलना शुरू रहते हैं, और इसका जो प्रेशर होता है लिफ्ट एक्सल जब उठे हुए होते हैं तो इसका जो प्रेशर होता है वो इसके कंट्रोल वॉल के थ्रू नीचे रिलीज हो जाता है। धीरे धीरे जैसे इसमें बढ़ता रहेगा वैसे उसमें रिलीज होना शुरू हो जाएगा कंट्रोल वॉल में। तो ये लिफ्ट एक्सल का थोड़ा सा सर्किट मैंने आपको बता दिया है कि अभी आपको जैसे ये, अब ये जो टैंक है, ये टैंक से आता है, यहाँ पे पॉइंट होता है पोर्ट, एक पोर्ट ये हो गया, आपने देखा होगा क्विक रिलीज वॉल 3 पॉइंट पोर्ट में होता है, 1, 2, 3 पोर्ट। तो जो ऊपर वाला जो पोर्ट होता है वो डायरेक्टली उसको प्रेशर देते हैं ताकि जल्दी से प्रेशर आए। कोई भी लंबी लाइन है, लंबी लाइन से प्रेशर आने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए उसके लिए एक एडिशनल प्रेशर लाइन का पाइप जोड़ देते हैं ताकि जल्दी से वाल्व ओपन हो और प्रेशर तेजी के साथ उसके अंदर जाए और उसको बैलून को भरना शुरू कर दे। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी।
कि जब हमारा स्विच हम उसको इसमें तीन पावर सप्लाई होती हैं, एक जब हम चाबी स्विच ऑन करेंगे तो उस समय सप्लाई आएगी इग्निशन सप्लाई, और दूसरी जो है डायरेक्ट, सॉरी, एक सप्लाई हमें चाबी स्विच ऑन करने से मिलेगी और एक सप्लाई हमें स्विच ऑन करने से मिलेगी। एक ग्राउंड होता है, सबसे पहले अगर लिफ्ट एक्सल काम नहीं कर रहे हैं या लिफ्ट एक्सल नीचे की ओर है, लिफ्ट एक्सल नीचे है और हम स्विच ऑन कर रहे हैं फिर भी लिफ्ट एक्सल काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका दो रीजन होगा। पहला रीजन ये होगा कि आपका जो कंट्रोल वाल है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी पहले पावर चेक कर लें, दो में पावर आएगी और एक माइनस रहेगा। कंट्रोल वाल्व आप चेक करने के बाद जो 12 नंबर का पोर्ट है आप उस पोर्ट को खोलना, खोलने से क्या होगा कि प्रेशर मिलेगा, अगर दिख रहा है कि हाँ प्रेशर आ रहा है ठीक है उस पोर्ट को भी टाइट कर दो, फिर एक नंबर पोर्ट को खोलना, जब देखना कि एक नंबर पोर्ट में भी प्रेशर नहीं आ रहा है और गाड़ी खाली कंडीशन में है, गाड़ी में लोड है नहीं और प्रेशर नहीं आ रहा, तो फिर मतलब ये हुआ कि लोड सेंसिंग वाल्व सही काम नहीं कर रहा है। तो आप उस रोड को ऊपर की ओर करेंगे, करने से अगर प्रेशर आने लगा तो उसकी सेटिंग वहां पर आप कर सकते हैं। तो प्रेशर आने से ये उठ गया तो ठीक है, अगर प्रेशर आने से भी नहीं उठा ये लिफ्ट एक्सल, इसमें प्रेशर नहीं गया इन दो बैलों में, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कंट्रोल वाल्व में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सर्किट है वो मैंने एक्सप्लेन किया। कभी कभी ऐसा होता है लिफ्ट एक्सल गिरते हैं, अप डाउन चलती हुई गाड़ी में अप डाउन होता है, अप डाउन, तो उसका सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट चेक करें कि वो सर्किट में कोई लूज पन तो नहीं है, उसके बाद आप लोड सेंसिंग वाल्व को चेक करें, लोड सेंसिंग वाल्व भी अगर प्रेशर ठीक है तो फिर कंट्रोल वाल्व को रिप्लेस कर दें, उसके बाद आपका प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा। तो ये मेरा जो वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आएगा, प्लीज़ मैं आशा करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे जो बाहर अपनी वर्कशॉप लेके बैठे हुए हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचेगी, नई टेक्नोलॉजी की नई वीडियो आप पहुँचेगी तो उनको उसको काम करने में समझने में बहुत ईजी होगा। ये क्या होता है, ये जो वीडियो होती है एक हिंट होता है, एक गाइडलाइंस होती है कि बंदे के समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके से हाँ सिस्टम काम करता है, उसके बाद वो खुद ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करने से वो खुद उसको प्रैक्टिकल करेगा तो उसकी समझ में खुद इजीली समझ में आ जाएगा भाई ये पोर्ट यहाँ जाता है, ये चीज़ यहाँ पे जाती है। तो ये मेरी वीडियो है, मैं जो पसंद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।